हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा नीटिंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, ये आज का डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाना भी बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को हम लेडीज़ कार्डिगन, गर्ल्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, फ्रॉक, स्कार्फ, मफलर, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये बनाना। इस डिज़ाइन को हम 19 के मल्टीपल में बनाएंगे। स्टिच 19 के मल्टीपल स्टिच लेंगे और 8 स्टिच एक्स्ट्रा लेंगे डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन 8 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। 8 रोज़ में ये डिज़ाइन बना करके कंप्लीट हो जाता है। चलिए तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन मैं आपको 27 स्टिचेस में डाल करके दिखा रही हूँ। 19 और 8 फंदे एक्स्ट्रा, 19 फंदों का हमारा ये रिपीट पैटर्न है और 8 स्टिच हम एक्स्ट्रा लेते हैं डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए। बॉर्डर बनाने के बाद फर्स्ट रो, आप कोई भी बॉर्डर बनाएं अपनी पसंद का, उसके बाद फर्स्ट रो कैसे बुनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। ये हम दो पहले बेस रो बनाएंगे, इनको हमें रिपीट नहीं करना है। सीधी और उल्टी ये बेस रो रहेंगी, इनको हमें रिपीट नहीं करना है। एक फंदा बिना बुना लिया, एक फंदा हमने उल्टा बुना, धागा पीछे करके चार फंदे हम सीधे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, धागा आगे करेंगे, पांच फंदे उल्टे। एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे। एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा आगे, पांच फंदे उल्टे। दो, तीन, चार, पांच, धागा पीछे, चार फंदे हम सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, सॉरी उल्टा, धागा पीछे, स्टिच को हम सीधा बनाएंगे। रॉन्ग साइड सेकंड रो, पहला फंदा बिना बुना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा आगे, चार फंदे उल्टे। एक, दो, तीन, चार, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे। एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा आगे करेंगे, पांच फंदे उल्टे। एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे। एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा आगे करेंगे, चार फंदे उल्टे। एक, दो, तीन, चार, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, स्टिच को हम उल्टा बनाएंगे। अब हमारा यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स, थर्ड रो से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। ये दो बेस रो हैं हमारी, इनको हम अब बार बार रिपीट नहीं करेंगे। पहला फंदा बिना बुना, धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, चार फंदे हैं, इनका हम केबल बनाएंगे, इनको हम ट्विस्ट करेंगे, इस केबल को हम ट्विस्ट करेंगे, दो फंदे बैक लूप से पीछे वाले आगे लाएंगे, बैक लूप से लाने हैं, आगे वाले दो फंदे हम पीछे ले जाएंगे। ये आगे वाले दो फंदे हम पीछे ले जाएंगे, पीछे वाले हम आगे लाएंगे, चारों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, धागा आगे करेंगे, एक, दो,
चार, चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, ये एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, इन दोनों को हम एक साथ बुनेंगे, थोड़ा लूज करेंगे उनको, दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे, एक फंदा और सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे जाली बनाने के लिए, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर हम धागा आगे करेंगे जाली बनाने के लिए, एक फंदा सीधा बुना, इस फंदे को हम इस तरह से पलट करके, एक ये सीधा फंदा और एक ये उल्टा, इन दोनों फंदों को बैक लूप से सीधा बुनेंगे, धागा आगे, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, धागा पीछे करेंगे, ये केवल है, इसको हमें ट्विस्ट करना है, बैक लूप से दो फंदे पीछे वाले आगे लाएंगे और आगे वाले दो फंदे हम पीछे ले जाएंगे, चार फंदों का हमारा ये केवल है, चारों फंदों को सीधा बुनेंगे, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे स्टिच को हम सीधा बनाएंगे, रॉन्ग साइड है फ्रेंड्स। रिपीट पैटर्न की सेकंड रो है, पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फ्रेंड्स इसमें हमें जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं, जो सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा बनाना है और जो उल्टे दिख रहे हैं उनको उल्टा बनाना है, धागा आगे, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, धागा पीछे करेंगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, धागा आगे करेंगे, ये सात फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, ये जाली वाला भी उल्टा बनाएंगे, चार पाँच छः सात, धागा पीछे, चार फंदे सीधे, धागा आगे, चार फंदे उल्टे, केबल वाले हैं ये फंदे जिसे हमने राइट साइड से केबल बनाया है, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके स्टिच को हम उल्टा बनाएंगे, थर्ड रो रिपीट पैटर्न की राइट साइड, पहला फंदा बिना बुना, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये केबल वाले चार फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, ये एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, इन दोनों फंदों को हम एक साथ बुनेंगे सीधा, एक फंदा और सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे जाली बनाने के लिए, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ये हमने जाली बनाई है, एक फंदा सीधा बुना है, इस फंदे को पलट करके ऐसे लेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, चार फंदे ये सीधे बनाएंगे केवल वाले, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, एस स्टिच को हम सीधा बनाएंगे, रॉन्ग साइड है फ्रेंड्स। फोर्थ रो पैटर्न की पहला फंदा बिना बुना, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे, चार फंदे उल्टे, जैसे हमें फंदे दिख रहे हैं उल्टे पर उल्टे और सीधे पर सीधे वैसे ही बना के हम कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लिया, फोर्थ रो जैसे दिख रही थी हमें सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा वैसे बना करके, अब ये फिफ्थ रो है पैटर्न की राइट साइड है, पहला फंदा बिना बुना, धागा पीछे करेंगे, सॉरी धागा आगे ही रहेगा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, चार फंदे केबल वाले ये सीधे बनाएंगे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक ये उल्टा फंदा, ये सीधा फंदा, इन दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे सीधा, एक फंदा और सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे जाली बनाने के लिए, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार,
5। फिर से धागा आगे करेंगे जाली बनाने के लिए, एक फंदा सीधा बनाएंगे, इस फंदे को पलट करके ऐसे लेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक साथ बुनेंगे। धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, केवल को हम 4 फंदे हैं ये केवल के, सीधे बनाएंगे। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, स्टिच को हम सीधा बनाएंगे। 6 रो है फ्रेंड्स पैटर्न की, रोंग साइड, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, जैसे दिख रहे हैं हम इस पैटर्न में वैसे ही फंदे बुनते चले जाएंगे। दो फंदे सीधे, ये उल्टे, ये फिर दो फंदे सीधे, ये फिर उल्टे, ऐसे ही हम बुनते चले जाएंगे इनको। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये 6 रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये पैटर्न की 7th रो है राइट साइड, पहला फंदा बिना बुना, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे केबल वाले ये। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, ये एक फंदा उल्टा और ये सीधा, इन दोनों को हम एक साथ सीधा बुनेंगे। एक फंदा और सीधा, धागा आगे करेंगे जाली बनाने के लिए, 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। धागा आगे करेंगे जाली बनाने के लिए, एक फंदा सीधा, इस फंदे को पलटेंगे हम इस तरह से, बैक लूप से दो फंदे एक साथ बुनेंगे। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, स्टिच को हम सीधा बनाएंगे। 8th रो है फ्रेंड्स पैटर्न की, रोंग साइड, जैसे हमें फंदे दिख रहे हैं सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा, वैसे ही हमें बुन लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये 8 रोज का रिपीट पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से हम ये 8 रोज बनाते रहेंगे और हमारा डिज़ाइन बनता रहेगा। फ्रेंड्स, आपको मैं ये पैटर्न दोबारा से स्टार्ट करना बता देती हूँ, कैसे हम स्टार्ट करेंगे इसको दोबारा से। पहला फंदा बिना बुना, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे हम बैक लूप से ये केबल वाले आगे लाएंगे, पीछे वाले और आगे वाले पीछे ले जाएंगे। पीछे वाले आगे ला करके फंदों को हमने ट्विस्ट किया, 4 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। धागा आगे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। धागा पीछे करेंगे, दो फंदों को हम एक साथ बुनेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। धागा आगे करेंगे जाली बनाने के लिए, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे करेंगे जाली बनाने के लिए, एक फंदा सीधा बनाएंगे। फंदे को पलट करके इस तरह से लेंगे, बैक लूप से दो फंदे एक साथ बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4। धागा पीछे करेंगे, फिर से हमें ये फंदे केबल वाले ट्विस्ट करने हैं, बैक लूप से दो फंदे हम पीछे वाले आगे लाएंगे और आगे वाले हम पीछे ले जाएंगे। 4 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, स्टिच को हम सीधा बनाएंगे। रिपीट पैटर्न की 2nd रो, रोंग साइड, पहला फंदा बिना बुना, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, जैसे फंदे दिखेंगे हमें वैसे बनाने हैं, 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, धागा आगे, 7 फंदे उल्टे।
धागा पीछे, चार फंदे सीधे, धागा आगे, चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, स्टिच को हम उल्टा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पैटर्न इस तरह से स्टार्ट होगा। फिर से बन करके ये पैटर्न इस तरह से आएगा, बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड्स ये पैटर्न बन करके। बहुत ही आसान है बनाना और बन करके ये पैटर्न बहुत ही सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और नए से नए डिज़ाइन बनाने के लिए मिलते रहें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय फ्रेंड्स।